Hello friends, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. This is Sana. So friends, today I have come to you with a new makeup video, which is pink eyeshadow. I believe that women should always look pretty is until self-confidence is them. Today's makeup on my face is done with This Is Mine. You will be looking at my eyes, which are very beautiful and very well made up. If you are a woman and you feel that you are passionate about the makeup, then you must watch this video of mine. I will show you step by step makeup in this video. But before that, if you are visiting my channel for the first time, please subscribe my YouTube channel and don't forget hit the bell icon. And one more thing I would like to tell you, that if you want to see my latest post, you can follow me on Instagram. A lot of people messaging me and asking, who are you? You do beautiful makeup. Have you learned to do makeup? So today I would like to answer the question for you. Yes, I have learned makeup and I am a beauty blogger and beauty influencer. If any brand tries to contact me, I promote their stuff further. So without wasting our time, let's begin the video. सबसे पहले मैंने केयर्स का हनी लोशन लिया है अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए. सो थोड़ा सा मैंने अपने फेस पर इस तरह अप्लाई किया और फिर मसाज कर लिया. लाइट हैंड से मसाज करने के बाद आपकी जो स्किन है वो मॉइस्चराइज हो गई है. इसके बाद मैं जो हो करालन का स्टिक नंबर 36 जो है अपनी आइज़ को कैमोफ्लेज करने के लिए यूज़ कर रही हूँ. ये जो है बहुत अच्छा शेड है कैमोफ्लेज करने के लिए. उसके बाद में ये मैंने जो अपना होममेड आईब्रो पोमेड बनाया हुआ है, उससे मैं अपनी आईब्रो को नीट कर रही हूँ. आईब्रो नीट करने के बाद मैंने मिस्टर्स का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, उससे मैं अपनी आई को जो मैंने कैमोफ्लेज किया था उसको मैंने फिक्स कर लिया. अब हमारी आई बेस जो है वो कम्प्लीट हो गई है. सो मैंने हुदा ब्यूटी की पैलेट ली है, इसमें से मैं ये पीच कलर वाला जो शेड है ये अप्लाई कर रही हूँ अपनी क्रीज को मेक करने के लिए. सो टुडे जो मेकअप है वो मतलब कट गिज मेकअप है, लेकिन पिंक शेड के साथ है वो. तो ये वाला मैंने शेड लगाने के बाद लाइट वाला पीच कलर लिया है, जो आपको वीडियो में आपको शो हो रहा होगा मेरी आई शेडो पैलेट में. ये कलर मैंने ब्लेंड करने के बाद थोड़ा सा डार्क शेड लिया है जो प्राइमरी शेड है. इसको मैंने ब्रश के साथ उसी के ऊपर जो है वो ब्लेंड कर देना है. ब्लेंड करने के बाद मैंने द कलर वर्कशॉप की स्मॉल आई शेडो पैलेट ली है, इसमें से मैंने ये पर्पल वाला जो मैट फॉर्म में शेड है ये वाला लिया. ये शेड लेने के बाद मैं अपनी क्रीज को ब्राउन और पीच के साथ जो मैंने शेड अप्लाई किया था उसके साथ मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है. ब्लेंड करने के बाद मिस्ट रोज का कंसीलर लेंगे अपनी आईज़ की कट क्रीज मेक करने के लिए. ये मैंने अपना कंसीलर ले लिया है, ये आईज़ की कट क्रीज करने के लिए सबसे बेस्ट है मेरी नज़र में. तो इस तरह से मैंने अपनी आईज़ के पैसे थोड़ा सा लगाया है और अपनी आईज़ को ओपन कर ली. जब आईज़ आपकी ओपन होती है तो ये ऑटोमेटिकली आपकी क्रीज पर फिक्स हो जाता है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा अपनी क्रीज़ को ज़रा बिग करूँगी ताकि आपको आई शेडो जो है अच्छे से नज़र आए, क्योंकि वीडियो में ऑलमोस्ट नज़र नहीं आता. मतलब रियल में तो फिर भी दिख जाता है आपको, लेकिन वीडियोज़ में जो है वो क्लियर नज़र नहीं आता, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी बिग कट क्रीज़ मेक की है. इसके बाद जो है आपको जो थोड़ा सा आपने कंसीलर लगाया है उसके बाद ज़्यादा आपको कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं है. ये देखिए इस तरह से मैंने ब्रश की हेल्प से इसको अपनी क्रीज़ को बहुत ही नीटली जो है वो अपनी आई की कट क्रीज़ मेक कर दी है और इसको आउटर कॉर्नर से बाहर की तरफ ले गए. इस तरह से इसको ब्लेंड कर देना पूरे, जब ये आईज़ पर स्प्रेड हो जाएगा. ये देखें इस तरह से मैंने अपनी आई को और ये जो लाइनर वाला जो कॉर्नर होता है इसको हमने बाहर की तरफ जो है इस तरह से स्प्रेड कर दिया है. तो ये हमारी जो क्रीज़ है वो मेक हो गई. उसके बाद मैंने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लिया, फिर मैंने अपनी क्रीज़ को फिक्स कर लिया है ताकि जो स्टिकी होती है कंसीलर की वजह से वो फिक्स हो जाए. अब उसके बाद मैंने यहाँ पर मॉर्फे की पैलेट ली है जैकलिन हिल की, इसमें से मैं पिंक वाला शेड अप्लाई करूँगी. तो ये पिंक शेड ऐसे में ये ऊपर वाला है पीच के बराबर वाला जो है ये वाला शेड है. ये शेड मैंने लिया है ब्रश से, उसके बाद मैंने अपनी जो मैंने क्रीज़ मेक की थी इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर लिया है. आपको दिख रहा होगा ये शेड बहुत लाइट है, लेकिन ये ज़्यादा जो है वो क्लियर दिख नहीं रहा. आप चाहें तो फिंगर से भी थोड़ा सा टैप कर सकते हैं. फिंगर से टैप करने से थोड़ा डार्क शेड आता है. उसके बाद मैंने ये ब्लैक शेड लिया इसी आई शेडो में से, अपनी वाटर लाइन को मैं मेक कर रही हूँ. ये एक मैंने आउटर कॉर्नर से स्टार्ट किया है लगाना. ये लगाने के बाद मैं इसमें से ग्रीन वाला शेड लूँगी. इस ग्रीन शेड को ब्लैक के साथ मैंने ब्लेंड कर देना है. ये देखें
अच्छा, ये ग्रीन शीट थोड़ा सा इनर से ज़्यादा लगाना है और आउटर कॉर्नर तक ले जाना है, ठीक है। इसको ब्लैक के साथ हम ब्लेंड कर देंगे तो शेड हमारा चेंज हो जाएगा। ये चेंज करने के बाद मैंने ये वैसलीन ली है, थोड़ी सी आज न्यू ट्रिक है वीडियो में, तो ये वैसलीन मैंने लिया। और ये मेरे पास एक ग्लिटर लाइनर था जो ख़त्म हो गया, यानी कि ड्राई हो गया, तो उसका मैंने ब्रश लिया है। ये ब्रश लेने के बाद मैंने ये जब अपनी क्रीज़ मेक करी है, क्रीज़ मेक करने की जो ऊपर का जो कॉर्नर है जो क्रीज़ का, वहाँ पर मैंने एक लाइन दी है ये अपनी जो है ब्रश से वैसलीन लेके, ताकि मैं अपनी जो क्रीज़ की लाइन है इसके ऊपर मैं अपना मेकअप कंप्लीट कर सकूँ। ये मैंने सिल्वर वाली ग्लिटर ली है जो लूज़ फॉर्म में है। अब ये लाइनर वाला ब्रश लेके जो मैंने वैसलीन अप्लाई की थी, अब ये मैं इसके ऊपर स्टिक कर दूँगी इस तरह से। अच्छा, वैसे चाहें तो आप ये बहुत बारीक सी लेयर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आज जो थोड़ी जो है वो थिक करके लगाई है, ताकि आपको थोड़ा सा शाइन करता हुआ नज़र आए। अगर वैसे अगर आप बहुत बारीक सी लेयर देंगे तो इतना क्लियर दिखता नहीं है कैमरे में, वीडियो के आगे। ये देखें, इस तरह से हमें थोड़ा सा थिक करके लगा, आप चाहें तो बारीक भी लगा सकते हैं लेकिन थिक भी लगा सकते हैं। ये इस तरह से हमने अपनी आई को ग्लिटर के साथ मेक कर दिया। उसके बाद ये मैंने अपना एज़ यूजल जो फाउंडेशन है मैं यूज़ कर रही हूँ, एमली का ऑल फुल कवरेज फाउंडेशन है ये। सो अब ये सुपर स्टे इस तरह से मैंने अपने उसके ऊपर अप्लाई किया, चीक्स के ऊपर। चीक्स पर अप्लाई करने के बाद उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे। ये देखें, हमारे जो फाउंडेशन है वो आपका तकरीबन कंप्लीट हो गया। फिर ये प्राइम एंड फाइन का मैंने वाटरप्रूफ फेस पाउडर लिया है, इससे मैं अपनी बेस को फिक्स कर लूँगी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है ये ब्रश से जो है वो थोड़ा सा अप्लाई करना, इससे जो है अच्छी तरह से फिक्स हो जाता है। उसके बाद मैंने अंडर आई काजल अप्लाई किया है। काजल अप्लाई करने के बाद अब ये मैंने जेल लाइनर लिया है, मैंने जेल लाइनर अप्लाई कर लिया। जेल लाने के बाद मैं 5D लैशेस लूँगी अपनी आईज के ऊपर जो है वो लैशेस अप्लाई करूँगी। सो उसके बाद ये ट्यूट का मस्कारा अपनी आई लैशेस पर अप्लाई करेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने अब मस्कारा जो है अपनी आई लैशेस के ऊपर लगा लिया, ताकि मेरी फेक और ओरिजिनल लैशेज हैं वो मिक्स हो जाएँ। अब उसके बाद ये फिट मी का कंसीलर लिया है मैंने अपनी अंडर आई को कवरेज करने के लिए, क्योंकि आपको दिख रहा होगा अभी भी मेरे डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं। उसके बाद मैंने इसको ब्रश से जो है वो स्प्रेड कर देना है अंडर आई को। उसके बाद मैंने मिस रोज़ का यही एज यूजल पाउडर लिया है फेस पाउडर, इसको मैंने अपनी अंडर आई को फिक्स कर देना है। आई थिंक मेरी जो अंडर आई है उससे भी ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा तो लोग लूज़ पाउडर यूज़ करते हैं। उसके बाद कलर ब्रश आपका ब्लश लिया है, मैट फॉर्म में पिंक ब्लश है। अच्छा, आज थोड़ा सा हमने जो है वो नोज़ के पास से लेके और इसको राउंड शेप में ऊपर की तरफ ब्लश अप्लाई किया। ये कलर थोड़ा लाइट है लेकिन बहुत प्यारा लगता है, बेबी पिंक कलर है ये। इस तरह से लगा लिया, थोड़ा सा चेंज हो गया, जूसी लुक हो गया। उसके बाद वर्कशॉप का हाइलाइटर है इल्यूमिनेटर, सो इसको मैंने चीक्स आज फिंगर से लगाया है। ये देखिए, फिंगर से ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्लेंड होता है और शाइन करता है। उसके बाद थोड़ा सा हमने ब्रश से इसको इनर कॉर्नर पर लगाया है। अगर हम वैसे फिंगर से लगाएं इनर कॉर्नर पे तो मतलब थोड़ा सा काजल है वो हट जाता है, मुझे ऐसा लगता है, फील होता है, तो ब्रश से लगा लिया। अब ये इस तरह से हमारी जो इनर कॉर्नर आईज की हाईलाइट हो गई है। फिर ये थोड़ा सा हमने ब्रो बोन पर अप्लाई किया, ब्रो बोन पर ज़्यादा शेड नहीं देना, थोड़ा सा शेड दिया। उसके बाद ये मैंने पीच कलर की लिपस्टिक ली है, ये मैंने अपने लिप्स पे अप्लाई कर ली। सो ऑलमोस्ट तकरीबन हमारा मेकअप जो है वो डन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। हमने ज्वेलरी भी वेयर कर ली है। सो ये आप देख लीजिए, क्लोजअप मैंने दिखाया है। वैसे तो ये पिंक शेड है, पर ये थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सा चेंज दिख रहा है ये, क्योंकि ये बहुत लाइट शेड है। अब ये ग्लिटर्स भी आप देख रहे हैं किस तरह से मैंने अपनी आईज के ऊपर अप्लाई की थी, किस तरह से लगाई थी, थोड़ी सी मैंने थिक करके लगाई थी। वैसे आप चाहें तो ग्लिटर जो है, ग्लिटर्स का ग्लू आता है उससे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जो है आज वैसलीन से ट्राई किया। अगर आपके पास ग्लिटर जो है वो ग्लू नहीं है तो आप वैसलीन से भी लगा सकते हैं। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से मैंने अपनी आईज के ऊपर ग्लिटर लगाई हुई है, और ग्लिटर बिल्कुल फिक्स होकर लगी, ये भी नहीं कि ग्लिटर्स नीचे गिर रही हैं या फिर ऊपर की आईज की तरफ जो है वो जैसे स्टिक हो जाती हैं या फैलने लगती है, ख़राब होने लगती है। देखिए, बिल्कुल फिक्स मेरा आई मेकअप है। सो, अब आप ये मुझे मेकअप देख के बताइए, वीडियो देख के बताइए कि आपको ये मेरा मेकअप ट्यूटोरियल जो है वो कैसा लगा। और मैंने आज जो शेड अप्लाई किया है उसके साथ जो है वो लिपस्टिक का कलर भी लाइट है। तो अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेकअप पसंद आया होगा। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो अपलोड नहीं हो जाती, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।